कोई परफ्यूम में बड़ी बॉटल ही आती है, छोटी बॉटल आती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जो मेरी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है, मैं अभी आपको इसका नाम रिवील करूंगा इस वीडियो में, और ये भी मेरी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है एक्चुअली, ये तो आपको बॉटल देख के समझ आ गया होगा कौन सी है. बट अगर इसका छोटा पैक नहीं आता है, कहीं से आपको टेस्टर नहीं मिलता है, आप मॉल में गए आपको नहीं मिलती है ये, तो एक लास्ट रिजॉर्ट ये हो सकता है कि आपके दोस्तों के साथ पूल इन करके पैसे जोड़ के वो चीज ऑर्डर कर लो, 4 या 5 लोग, तो आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, प्लस साथ में आप एटमाइजर बॉटल्स ऑर्डर कर लो अमेज़न से, और उन एटमाइजर बॉटल्स में आप सारे दोस्त लोग अपनी परफ्यूम को स्प्लिट करके रख लो, तो सब उसको एज टेस्टर यूज कर पाओगे. कुछ टाइम यूज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई मुझे यही चाहिए या नहीं चाहिए, और फिर जाके उसकी बड़ी बॉटल ले सकते. तो नेक्स्ट है कि इन सारी के रिव्यू पे आने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए अपनी परफ्यूम में, और आपकी फ्रेग्रेंसेस में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि कितनी ज्यादा डेंसिटी है आपकी फ्रेग्रेंस ऑयल की, मतलब कि जो एक्चुअल में जिससे स्मेल आती है वो, उसको बेसिकली अल्कोहल में मिला दिया जाता है और एक दो चीजों में मिला दिया जाता है. तो जितनी ज्यादा आपका फ्रेग्रेंस ऑयल होगा उतनी ज्यादा वो स्ट्रांग होगी आपकी फ्रेग्रेंस. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्ट्रांग चाहिए आपकी स्मेल. तो उस हिसाब से जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो EDP, EDT, परफ्यूम, इत्र वगैरह, आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा लेना है बेसिस कि आपको कितनी स्ट्रांग चाहिए. नेक्स्ट चीज जो आपको कंसर्न करेगी वो है कि आपकी फ्रेग्रेंस में नोट्स कौन से हैं. और यहाँ पे मैं 500 के कड़क नोटों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोट्स कह रहा हूँ फ्रेग्रेंस नोट्स, जो कि किसी भी फ्रेग्रेंस में 3 टाइप के होते हैं, टॉप नोट्स, हार्ट नोट्स और बेस नोट्स. और नोट्स जनरली डिफाइन होते हैं एग्जिस्टिंग चीजों की दुनिया की. फॉर एग्जाम्पल किसी चीज में लेमन यानी कि नींबू का नोट हो सकता है, किसी चीज में आपको संतरे का नोट आ सकता है, ऑरेंज नोट. लेकिन अगर ये नोट अगर टॉप नोट है तो वो शुरू के 10-15 मिनट तक ही वो वाली स्मेल सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगी, और अगर वो हार्ट नोट है तो अगले 1 घंटे 1.5 घंटे तक रहेगी, और अगर वो उसका बेस नोट है तो वो अगले 6-7-8 घंटे तक रहेगी. अब अगर आप अपना लाइफस्टाइल देखोगे तो जनरली स्प्रे करने के बाद टॉप नोट्स शुरू के कुछ टाइम रह रहे हैं, तो मेन नोट्स जिन पे आपको फोकस करना है वो है हार्ट नोट्स, क्योंकि जब आप कुछ लगा के पार्टी या स्कूल कॉलेज या ऑफिस कहीं भी जा रहे हो तो मेनली उसके हार्ट नोट्स रहने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी 7-8 घंटे बाद तो वो एक एक्टिविटी आप खत्म कर चुके होंगे. तो अगर आपको फ्रेग्रेंस सेलेक्ट करते हुए डीप उसमें सोचना है तो हमेशा उसके हार्ट नोट्स पे फोकस करना. नेक्स्ट चीज जो आपको अपनी फ्रेग्रेंस सेलेक्ट करते हुए ध्यान में रखनी है वो है पर्पस, यानी कि आप किस लिए वो फ्रेग्रेंस लगा रहे हो, क्योंकि आप जब डेट पे जा रहे हो तो आप अलग टाइप की फ्रेग्रेंस चाहते हो, ताकि जब लड़की आपको स्मेल करे तो एक रोमांटिक एनवायरमेंट सेट हो पाए, जिसके लिए आपको थोड़े से वुडी मस्की डार्क टाइप के नोट्स चाहिए होते हैं, या फिर अगर आप दिन में जा रहे हो कॉलेज वगैरह तो आपको चाहिए थोड़े से फ्रेश कूल टाइप के नोट्स हो, फॉर एग्जांपल सिट्रस नोट, लेमन, ऑरेंज वगैरह, या फिर थोड़े से सावर नोट्स भी हो सकते हैं, जिससे कि थोड़े से फ्रेशनेस आए आपके अंदर से. या फिर जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था, अगर आपको एक फ्रेग्रेंस चाहिए, आप दो पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप एक ऐसी फ्रेग्रेंस लेना चाहोगे जो काफी एवरग्रीन टाइप हो. मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको, मेरी फेवरेट है ये, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस आपके तब भी काम आएगी जब आप कहीं पे जा रहे हो और आप लेके ही एक जा सकते हो. अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, मैं आपको इन सब का रिव्यू अब समझाऊंगा, क्योंकि हमने बहुत सारी ऑर्डर कर दिए हैं, बहुत खर्चा हो गया है, कंपनी लॉस में चली गई है, और हमने मल्टीपल चीजें कंसिडर करी हैं, कौन सी आप डे में लगा सकते हो, नाइट में लगा सकते हो, या फिर पूरा टाइम लगा सकते हो, बजट कौन सी किसकी है, एंड फिर मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट बता पाऊंगा, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला स्मेल बहुत सब्जेक्टिव चीज है, किसको क्या पसंद है मुझे नहीं पता भाई. और ये सारी फ्रेग्रेंसेस जो हमने ऑर्डर करी है उनको बेसिकली मैं 2 टाइप की कैटेगरीज में स्प्लिट करके बताना चाहूंगा आपको. तो बजट कैटेगरी हमने इसमें ऐसे डिफाइन करी है कि आपको 100 ml 1500 रुपए से कम में मिल जाए. अब चाहे वो 400 रुपए फॉर 100 ml हो या फिर 1500 रुपए पर ml हो, वो पूरा हमने बजट कैटेगरी में डाला हुआ है, और ये वाली बहुत अलग अलग कंपनीज की अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी अवेलेबल हैं. और दूसरी टाइप की कैटेगरी है जहां पे आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे तो आपको थोड़ी सी कॉस्टली वाली मिलेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है. और हमने पूरी टीम ने करीब 10 दिन लगाए हैं ये सारी टेस्ट करने में, और हमने इन पे करे हैं 3 टाइप के टेस्ट, जिसमें हम सबने सारी परफ्यूम्स को लगाया और इधर उधर शूट्स करने गए, घूमने गए, अलग अलग एक्टिविटीज करके वापस उसको स्मेल किया तो देखा कि वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है. दूसरा हमने टेस्ट किया कि उसके नोट्स की एक्यूरेसी कैसी है. तो फॉर एग्जाम्पल जो भी उस परफ्यूम की वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि इसके नोट्स ऐसे हैं ऐसे हैं, उनको हमने समझा और देखा कि हाँ ऐसा ही स्मेल कर रहा है नहीं कर रहा, और साथ में वो परफ्यूम कितनी अपीलिंग लग रही है. अगेन सब्जेक्टिव ओपिनियन है वो बहुत, लेकिन मैंने अपने कुछ ऐसे फ्रेंड से पूछा जिनकी बड़ी बड़ी फ्रेग्रेंस कलेक्शंस हैं, और कुछ लड़कियों से भी पूछा, क्योंकि लड़कियों का जजमेंट ऑफ स्मेल काफी बढ़िया होता है. और हमने इन पे एक स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया, जहां पे हमने सारी परफ्यूम्स जाके
रूम्स के चारों कॉर्नर्स पे स्प्रे कर दी और फिर आधे घंटे बाद अंदर घुस के स्मेल किया कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ रिटेन हुई है। सबसे पहले हमने ट्राई करी पॉग, जो कि आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द चीपेस्ट बॉडी स्प्रेज है जो आप ले सकते हो, और ये डीओ नहीं है, लेकिन इवन दो इसका प्राइस बहुत कम है, इसकी स्मेल ही उतनी खास नहीं है। मतलब जब इसको लगाओगे बिल्कुल भी प्रीमियम स्मेल नहीं है, तो ऑनेस्टली मैं प्रेफर नहीं करूंगा ये कि आप खरीदो। मैं कहूंगा कि आप इस पे पैसे लगाने की जगह थोड़े से और पैसे लगाओ थोड़ी बेटर फ्रेग्रेंसेस पे। नेक्स्ट हमने पार्क एवेन्यू की एक्चुअली गलती से हमने एक डीओ मंगवा ली थी, जो कि अगेन आप फ्रेग्रेंस की तरह नहीं यूज कर सकते, इसको डीओ की तरह ही यूज कर सकते। और मैं इसको यूज करता हूँ जिम वगैरह या फिर पसीने बहाने के बाद लगाने के लिए, जब एकदम से नहाना नहीं होता। और जब हमें रियलाइज हुआ कि हमने पार्क एवेन्यू की गलती से डीओ मंगवा ली है, फिर हमने मंगवाई पार्क एवेन्यू की वैंटेज, जो कि इनकी ईडीपी है। अब इसकी स्मेल ठीक है, नोट एक्यूरेसी भी है, लेकिन बाकी सारी चीजें छोड़ो, ये मुझे नहीं लगता कि 40 इयर्स से कम पे सूट करेगी समहाउ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पान टाइप का फ्लेवर आ रहा है इसमें से। नेक्स्ट है वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स, वाइल्डस्टोन का कोड। वाइल्डस्टोन एक्चुअली बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस बनाता है, एंड अगेन इसमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो हमने वाइल्डस्टोन कोड का स्टील वाला वेरियंट ऑर्डर किया, और इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है, एकदम फ्रेशनेस दे देगी आपको, आपका मूड भी अपलिफ्ट कर देगी। मैं हमेशा इसकी एक बॉटल अपनी गाड़ी में जरूर रखता हूँ, कभी मैं इमरजेंसी में मेरे को ऐसी कोई चाहिए होती है, मेरे को एकदम से फ्रेशनेस चाहिए शूट्स के बीच में, मैं इसको जरूर लगाता हूँ। एंड साथ में काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो आप मान के चलो 6 घंटे आराम से बहुत प्यारी स्मेल देगी। एक और बहुत शानदार बॉडी डिओड्रेंट है वैसे, लेकिन इसको फ्रेग्रेंस की तरह यूज कर सकते हो, एक्स की सिग्नेचर इंटेंस। भाई ये बहुत ज्यादा लंबी लास्ट करती है, मतलब आप सुबह लगाओगे आपको रात तक स्मेल जरूर आएगी। और साथ में इसकी स्मेल ना बहुत ज्यादा वुडी है, तो मेरे हिसाब से ये शाम को लगाने वाली फ्रेग्रेंस है और सुबह लगाने वाली नहीं। और मैं तो कहूंगा ये काफी नॉस्टैल्जिक फ्रेग्रेंस भी है, क्योंकि काफी ज्यादा जो बचपन में एक्स चॉकलेट का एड फेमस होता था, वो अगर आपने यूज करी है तो आपको डेफिनेटली उसी की याद आएगी ये यूज करके, तो मेरे को तो बचपन से ही बहुत पसंद है। एंड मुझे पता है कि काफी लोग सस्ते ब्रांड्स को समझते हैं कि यह सस्ता है छोड़ो ये क्यों लेंगे, भाई आप एक बार सस्ते वाले ब्रांड्स यूज करके देखो भाई, ये काफी अच्छी है। नेक्स्ट हमने ट्राई करी ब्लांको कंपनी की लेजेंड। ब्लांको कंपनी आपको पता है, किंग तू आके देख ले उनका ब्रांड है, और इसका एड तुनी सुपरस्टार ने किया है, तो वहां पे -1, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ज्यादा शानदार है। मतलब ये मैं बोलूंगा कि डे और नाइट दोनों में यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से फ्रेशनेस वाले नोट्स भी हैं और थोड़े से एकदम क्लासी टाइप के नोट्स भी है, तो आप सुबह से लेकर रात तक पूरा यूज कर सकते हो। एंड वैसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमने ब्लांको के 6 फ्रेग्रेंसेस ऑर्डर करे थे, जो कि बाकी के अभी तक पहुंचे नहीं है, तो अगर आप चाहते हो हम एक अलग से शॉर्ट्स बना देंगे जिसमें हम ब्लांको के सारे फ्लेवर्स मतलब सारी स्मेल्स को रिव्यू कर सकते हैं। बजट कैटेगरी में नेक्स्ट हमने भाई शार्क टैंक पे एक ब्रांड आया था यार फ्रेग्रेंसेस का, आदिल कादरी, उनका पूरा गिफ्ट सेट ऑर्डर किया जिसमें हमें सारी फ्रेग्रेंसेस मिली। मुझे सच में लगा था यार कम से कम 2 तो अच्छी होंगी भाई, ऑनेस्टली इससे मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन में इससे गंदी फ्रेग्रेंस कुछ नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा चीप इनकी स्मेल थी अलग अलग तरीके की, मैंने एक रील भी बनाई थी इस पर, मेरे को और मेरी पूरी टीम को ये बहुत गंदी लगी, तो ये तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। एनीवे नेक्स्ट हमें ऑनलाइन ना ये पॉकेट वाली फ्रेग्रेंसेस मिल गई, इनका फॉर्म फैक्टर बहुत मस्त होता है, बहुत पतली सी होती है, आप जेब में भी डाल के चल सकते हो अगर आपको पता है कि आपको एकदम बार बार यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें पहली है ये एंगेज कंपनी की, जो कि अगेन एक काफी सस्ता ब्रांड है, लेकिन उसकी वजह से आप इसको जज मत करो। इसकी फ्रेग्रेंस काफी फ्रेश टाइप की है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो क्लासी और प्रीमियमनेस होती है वो इसके अंदर उतनी नहीं है, तो इस पे भी मैं आपको कहूंगा आप मत खरीदो। लेकिन ऐसे ही एक पॉकेट परफ्यूम हमने डेनवर ब्रांड का मंगवाया, ब्लैक कोड, इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी है, एंड ये भी अगेन वन ऑफ दोज एवरग्रीन न्यूट्रल टाइप की फ्रेग्रेंस है कि आप सुबह भी लगा सकते हो और रात को भी लगा सकते हो और किसी भी ओकेजन में लगा सकते हो। इसके बाद हमने एक गिफ्ट सेट अगेन ऑर्डर किया फ्रॉम अप्सिलॉन, जो कि एक न्यू कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इसके हमने आपको शॉर्ट्स में भी बताई हुई है, और इनकी ये तीनों टेस्ट करने के बाद जो इनकी गोल्डन सैंड वाली है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन जो इनकी वाइल्ड ब्लू वाली फ्रेग्रेंस है वो अगर आपको दिन में किसी पार्टी पे जाना है ब्रंच टाइप पार्टी में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि क्लासी एंड पार्टी वाइब भी है और डे वाली फ्रेशनेस वाइब भी है। और जो इनकी शूटिंग स्टार वाली है वो अगेन एक न्यूट्रल टाइप की परफ्यूम है जो कि आप पूरा दिन लगा सकते हो, बट अगर मुझे इस कंपनी से सिर्फ एक लेनी होती तो मैं डेफिनेटली वाइल्ड ब्लू लेता, ताकि मैं ब्रंच टाइप की पार्टीज में पहन पाऊं, जैसे अगर लिनन आउटफिट पहनी है तो उसके साथ बाहर घूम रहे हो। और नेक्स्ट हमने मंगवाई ये कॉफी भी नहीं है, फ्रेग्रेंस के लिए नहीं है, ये तो बस फ्रेग्रेंस जब आप टेस्ट कर रहे हो उसके बीच में सूंघने के लिए, ताकि आप नेक्स्ट वाली फ्रेग्रेंस को सही से जज कर पाओ, क्योंकि कॉफी बीन सूंघने से आपका जो स्मेल है वो रीसेट हो जाता है, और ये मैंने सीखा है मॉल्स में जब परफ्यूम्स पड़ी होती है वहां से। नेक्स्ट हमने एक और गिफ्ट सेट ऑर्डर किया
बियर्डो कंपनी से। इनमें भी वो सारी हैं जो अपनी मार्केटिंग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि विस्की स्मोक, गॉडफादर, डार्क साइड और ब्लैक मास्क। तो इसमें से गॉडफादर जो रेड वाली है तो इंस्टेंट रिजेक्ट है, मतलब हॉरिबल फ्रेग्रेंस, कुछ ज्यादा ही स्पाइसी है, मुझे नहीं पसंद। जो इनकी डार्क साइड है जो कि थोड़ी सी नाइट टाइम परफ्यूम है, वो भी कुछ ज्यादा ही स्पाइसी है, मेरा प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा स्पाइसी वाली इंडियंस पे अच्छी लगती है। स्पाइसी में सिर्फ एक फ्रेग्रेंस है जो मुझे अच्छी लगती है इंडियंस पे, वो है सेटवेट की, एक फायर आती है वो बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट इसमें जो इनकी ब्लैक मस्क वाली भी है, वो भी उसमें मेरे को बहुत फेविकॉल की स्मेल आ रही है, तो मेरा प्रेफरेंस नहीं है वो। एंड अगेन सब्जेक्टिव ओपिनियन है, तो वो भी मेरे को पसंद नहीं आई। लेकिन इस पूरी कलेक्शन को ऊपर लेके गया है इनका विस्की स्मोक, और ये एग्जैक्टली ऐसा ही स्मेल करता है, विस्की और स्मोक, एकदम ऐसा मैनली टाइप का फ्लेवर। अगर आप एक बॉयज नाइट आउट पे जा रहे हो तो विस्की स्मोक इज द परफेक्ट फ्रेग्रेंस। रात मतलब ये है नाइट की परफ्यूम ही, डे में नहीं लगा सकते आप इसको, लेकिन एकदम विस्की वाली स्मेल है। आप मतलब मैं भी विस्की नहीं पीता, आप भी मत पीना, और अगर आप इसको लगाओगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, असली में नहीं होगा, बट ये काफी अच्छी, आई रिकमेंड। नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया बेला वीटा का पूरा गिफ्ट सेट, और भाई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट बेला वीटा ने काफी ज्यादा गेम चेंज कर दिया परफ्यूम्स का। इन लोगों ने धड़ाधड़ इतने सारे निकाल दिए, और इनके नाम इतने कूल है, तुम नाम सुन के वो वाली वाइब ले सकते हो। जैसे इनका जो व्हाइट ऊद है वो भाई इतनी सेक्सुअल फ्रेग्रेंस है, इतनी दुबई टाइप फ्रेग्रेंस लगती है कि आपको अगर डेट पे जाना है लेट नाइट टाइप की, इफ यू नो व्हाट आई मीन, तो आप ये लगा सकते हो। एंड दूसरा जो मेरे को बहुत ज्यादा शानदार लगता है इनका फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज्यादा शानदार, वो है इनका सीईओ वाला। भाई सही में एकदम सही नाम रखा है, आप ये लगा के ऑफिस जाओगे आपको इतनी क्रेजी वाइब आएगी ना, मतलब ऐसा लगेगा कि आप टॉप परफॉर्मर हो वहां पे, या फिर आप सीईओ भाई कंपनी ओन करते हो, आपको ऐसा लगे। एक और बहुत शानदार इनकी कलेक्शन में है गोट। अब इसमें फ्रेशनेस वाले नोट्स थोड़े से कम है, तो डे के लिए शायद नहीं यूज कर सकते आप, लेकिन इवनिंग एंड नाइट्स के लिए परफेक्ट, पार्टीज में बढ़िया, डेट्स में बढ़िया, सुपर। इनका एक और है ऊद, जो कि मेरे को व्हाइट ऊद जितना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्टिल ये भी बहुत बढ़िया है, और क्योंकि वो बहुत डीप फ्रेग्रेंसेस होते हैं तो आप वो थोड़े से रात को यूज कर सकते हो। ये वाला जैसे बहुत मस्की है तो पार्टी में भी अच्छा लगेगा और डिनर सीन्स में भी अच्छा लगेगा। बाकी एक और है बेला वीटा फ्रेश के नाम से, जो कि थोड़ा सा उन्होंने कूल वाले स्मेल के अंदर थोड़ा सा फ्रूटी मिक्स करने का कोशिश किया है, जो कि मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन इनका एक परफ्यूम है जिसका नाम है क्लब, ये पता नहीं इसका नाम क्लब क्यों रखा है, ये बेटर लगेगा अगर आप ब्रंच के टाइम या लंच के टाइम कोई पार्टी है, भाई अगेन लिनन आउटफिट टाइप की वाइब है, तब ये काफी अच्छा लगेगा, रात के क्लबिंग वगैरह के लिए मुझे नहीं लगता है अच्छा है। एंड इनका एक है स्काई एक्वेटिक, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा टैल्कम पाउडर वाली वाइब देता है, तो ये नॉट अप्रूव। नेक्स्ट आते हैं बजट कैटेगरी के सबसे महंगे वाले परफ्यूम पे, जो कि है द मैन कंपनी का स्काई। ये काफी ज्यादा ही बेसिक टाइप का परफ्यूम है, हाँ ये थोड़ा सा न्यूट्रल वाले कैटेगरी में आता है कि मतलब डे एंड नाइट दोनों जगह लगा सकते हो, बट इसको स्मेल करने के बाद ना कुछ ऐसी क्रेजी वाइब नहीं आती, काफी ज्यादा बेसिक है, मतलब ये लगा के आप कुछ बहुत अच्छा स्मेल नहीं करने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे भी दो और क्रेजी भी स्मेल ना करो, क्या फायदा। तो ये थी हमारी पूरी बजट कैटेगरी। अब इसमें से कौन सा कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन से इसमें से बेस्ट वाले हैं, वो मैं आपको भी फाइनल वाला बताऊंगा, बट उससे पहले आते हैं हम थोड़ी सी पैसे देने वाली कैटेगरी पे। तो भाई ये कैटेगरी वो है जहां पे 100 ml आपको 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 का मिलेगा, लेकिन मैं एक्सट्रीम महंगी में नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे को सबसे अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है वो है डियोर की सौवाज, या सौवेज जो भी बोलते हैं उसको, बेसिकली देखो बोलना भी नहीं आता, इतने भी इतने कम पैसे है, बट वो इतनी महंगी है कि उसको लेना बड़ा बीटी है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई गिफ्ट कर दे। लेकिन जो मेरे को लगता है कि जहां पैसे स्पेंड करने का फायदा है वो ये वाली है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ब्रांड बताना चाहता हूँ भाई साहब, स्किन बाय टाइटन, अगेन स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन ये भाई क्या फ्रेग्रेंस है भाई, मतलब ये आपको पड़ेगी 100 ml वाली 3000 की। मेरे पास इसकी छोटी वाली बॉटल इसलिए है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये उनकी जो स्किन बाय टाइटन की रॉ है, इसकी फ्रेग्रेंस अमेजिंग है, पूरा दिन जहां जाना है हर जगह अच्छी लगेगी, इतनी ज्यादा शानदार फ्रेग्रेंस है। मतलब यहाँ पे इन लोगों ने फोड़ा हुआ है सिट्रस स्मेल, रात को थोड़ी सी इसकी एंड के नोट थोड़ी सी मस्की और बीच में थोड़ी सी फ्रूटी, मतलब हर टाइप की स्मेल है इसमें, मतलब सुपर्ब है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो डेफिनेटली दिस इज द वन यू नीड। और मैं आपको इसकी सबसे कड़क बात बताता हूं, ये मेरी फेवरेट ट्रैवल परफ्यूम है, इतनी सी बॉटल में आती है, और स्किन की इनकी सारी बहुत छोटी बॉटल्स में भी अलग अलग से आती हैं, और ये मैं हमेशा जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, चाहे कहीं भी जा रहा हूँ, इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर कहीं भी, मैं जरूर लेके जाता हूँ। ये आई थिंक मेरी तीसरी बॉटल चल रही है ब्रो, क्रेजी फ्रेग्रेंस है। बाहर जाके मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं इस इवेंट पे या इस जगह पे जा रहा हूं तो मुझे ऐसी लगानी है वैसी लगानी है, भाई ऑल राउंडर। तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हो। इनकी एक और है मेरे पास स्किन बाय टाइटन की वर्ज है,
ये उतनी क्रेजी नहीं है क्योंकि ये आप सिर्फ रात को पार्टीज पे लगा सकते हो, तो मेरे को तो चाहिए ट्रैवल के लिए कुछ, मैं हर जगह जो लगा पाऊं। या फिर अगर आपको चाहिए अपनी बजट में सिर्फ एक ही चाहिए, आपके पास और के पैसे नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज द वन। बाकी नेक्स्ट मेरे पास एक DKNY डोना कैरन की एक परफ्यूम भी है, इस पे नाम नहीं लिखा हुआ और मैं भूल भी चुका हूँ इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, बट आपको गूगल पे मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, फालतू की महंगी है, 4-5 हज़ार रुपए खर्च करके अगर आपको इतनी बेसिक फ्रेग्रेंस मिल रही है इसकी, ये सिर्फ फ्रेशनेस है इसके अंदर और कुछ नहीं है। इसके हार्ट नोट्स, इसके एंड के जो नोट्स हैं, कुछ पहुंचता ही नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग भी ज्यादा नहीं है, तो ये तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है एक बहुत स्पेशल फ्रेग्रेंस, मॉडर्न मस्क मेसन अलाम्ब्रा की है, ये दुबई का एक ब्रांड है, जैनेन्द्र लेके आया था मेरे लिए। भाई ये है असली चीज, अगर आपको रात को नॉटी होना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो भाई ये मतलब सच बता रहा हूँ भाई, ये लगा के ना सेक्स करने का मन करेगा भाई, इतनी क्रेजी फ्रेग्रेंस है कि एकदम मस्की, एकदम सेंशुअल, एकदम मतलब मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, तो मैं इसकी बाद में बात कर लूँगा, बट ये बहुत क्रेजी है, वर्थ द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अगर आप दिन के टाइम की देख रहे हो तो एडिडास की आइस डाइव, ये वो फ्रेग्रेंस है, आई थिंक ये मेरी 4th या 5th बॉटल होगी, उसके बाद मैंने इसको यूज करना छोड़ दिया था क्योंकि ये कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और बहुत सारे लड़कों ने लगानी शुरू कर दी थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। एडिडास अंडररेटेड है भाई, आप लोग रियलाइज भी नहीं कर रहे हो, एडिडास इतनी अच्छी फ्रेग्रेंसेस बनाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन पहले पता नहीं चलता था लेकिन फिर बहुत लोगों ने यूज करनी शुरू कर दी थी मेरे आसपास के दोस्तों ने, तो फिर मैं यूनिक नहीं रख पाया इस फ्रेग्रेंस को, तो मैंने यूज करनी छोड़ दी थी। बट इसकी बहुत क्रेजी फ्रेशनेस, सिट्रस और एकदम आइस वाली, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप स्नो में हो भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी फ्रेग्रेंस है। तो इसकी जगह अब जो मैं डे टाइम में यूज करता हूं भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस फ्रेग्रेंस के बिना अब रह सकता हूं। मुझे अगर मैं दिन में कहीं जा रहा हूं, इस फ्रेग्रेंस के बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलता। यह है डेविडॉफ की कूल वाटर, बहुत फेमस परफ्यूम है और मुझे पता है कि काफी ज्यादा लोगों ने लगानी शुरू कर दी है, शायद मुझे फ्यूचर में इससे हट के कोई और डे फ्रेग्रेंस ढूंढनी पड़े, लेकिन अभी के लिए मेरा दिल इस पे आया हुआ है। बहुत क्रेजी है, थोड़ी महंगी है बट वर्थ इट है। इसकी पहली बॉटल मेरे को मेरी मासी ने गिफ्ट करी थी, उसके बाद मैंने एक ले ली क्योंकि भाई क्या क्या चीज है भाई, और इसका नाम एकदम सही है भाई, ऐसा लगेगा कि आप ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हो, कोई आपको स्मेल भी करेगा उसको लगेगा भाई एकदम ठंडे पानी में बैठा हुआ है भाई आदमी। अब क्योंकि ये काफी फेमस परफ्यूम है तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई जब पूरी दुनिया इस बारे में बात करती है तो अच्छी लगेगी लगेगी, और ये वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंसेस है, मैं आपको बोलूंगा कि आप बस ऑर्डर कर लो भाई, मतलब ये अच्छी ही है, हर लड़के हर लड़की सबको अच्छी लगेगी। उसके बाद अपने सीक्रेट वेपन पे आने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, ये है आर्माफ कंपनी की टैग हिम। तो आर्माफ कंपनी बेसिकली क्लोन्स बनाती है, मतलब जो बहुत महंगी महंगी परफ्यूम्स होती है 10-15-20 हज़ार वाली, उन सब की सिमिलर मतलब बहुत क्लोज फ्रेग्रेंस ये लोग क्रैक कर लेते हैं और उसको बना के बेच देते हैं। अब आई थिंक शायद फ्रेग्रेंसेस पे कोई कॉपीराइट नहीं लग सकता होगा, जैसे हमारे यूट्यूब वीडियो पे लग जाता है गाने यूज करने से, तो इसलिए ये लोग बेच पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको क्लोन्स खरीदने आप डेफिनेटली आर्माफ कंपनी चेकआउट करो। तो अगर आपको कोई भी महंगी 10-20-30 हज़ार वाली परफ्यूम पसंद आए कहीं एयरपोर्ट या मॉल में सूंघ के और आप उतना स्पेंड नहीं करना चाहते हो, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप उतना स्पेंड करो, तो आप डेफिनेटली गूगल पे जाके टाइप करो उस परफ्यूम का नाम और आगे लिखो क्लोन। और अब वो फ्रेग्रेंस जिस पे मतलब मैं डिपेंडेंट हूं इस फ्रेग्रेंस पे भाई, मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूं रात को किसी पार्टी में, यही है मेरी फ्रेग्रेंस, यही स्मेल करके लोगों ने बोलना शुरू किया मेरे आसपास के दोस्तों ने कि सैन ऑलवेज स्मेल्स गुड भाई, ये मतलब मेरा दिल इसमें बसता है, मैं भाई इसके बिना नहीं जा सकता। ये है मॉबला की लेजेंड, हाँ इसका मॉन्ट ब्लैंक लिखा हुआ है, उसको मॉबला बोलते हैं, मैंने अमीरों वाली प्रोनंसिएशन यूट्यूब पे सीखी थी इसकी, बट भाई ये मेरे को गिफ्ट मिला था भाई, जो चीज़ है ना ये मतलब अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपकी बजट बनती है ये 6-7 हज़ार की आती है, एयरपोर्ट से लोगे तो काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, मतलब काफ़ी सस्ती नहीं उससे सस्ती मिल जाएगी, 5 हज़ार टाइप की मिल जाएगी, डेफिनेटली ले लो भाई। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है भाई, ये 6-7-8 घंटे चल जाती है और इसके सारे नोट्स इतने प्यारे हैं आप सोच नहीं सकते, मतलब सब्जेक्टिव ओपिनियन क्या भाड़ में, मैं सही बता रहा हूँ एक बार में ले लो। तो अब सारी चीजें कंसिडर करके कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कितना लंबा लास्ट करता है, किसकी कैसी फ्रेग्रेंस है और वो जितने रुपए का आता है उसमें वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या वो वर्थ इट है उतने प्राइस का, उस हिसाब से मैं आपको विनर्स बताता हूं। तो बजट कैटेगरी में अगर आपको ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि आप
डे टाइम में लगा सकते हो तो वो है वाइल्ड स्टोन कोड स्टील। एंड ऑनेस्टली अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप उसकी जगह ले सकते हो बेला वीटा का सीईओ। एंड अगर आपको बजट में एक नाइट टाइम फ्रेग्रेंस चाहिए तो वो है एक्स सिग्नेचर इंटेंस, या फिर इसका टाई है बेला वीटा गोट के साथ। लेकिन अगर आपको बजट कैटेगरी में एक ऐसी परफ्यूम चाहिए जो कि आप दिन रात कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते और बहुत अच्छा लास्ट करे और बहुत प्यारी स्मेल आए, तो वो है ब्लांको का लेजेंड। अब अगर आपके पास पैसे पड़े हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बहुत ज्यादा शानदार फ्रेग्रेंसेस में, एंड ऑब्वियसली ज्यादा पैसे दोगे तो ये वाली फ्रेग्रेंसेस बजट वाली से बेटर हैं एनी डे। तो उसमें मैं रेकमेंड करूंगा, मतलब मैं बहुत इमोशनल होकर ये चीज बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। दिन के लिए अगर आप देख रहे हो, बेस्ट डे परफ्यूम है डेविडॉफ की कूल वाटर। इसका एक दूसरा वर्जन भी आता है रीबॉर्न, मुझे उससे बेटर ये क्लासिक वाला वर्जन लगता है। एंड अगर आपको इवनिंग्स एंड रात को थोड़ी सी मस्की टाइप की परफ्यूम चाहिए तो भाई मॉबला का लेजेंड, मतलब ये लेजेंड है भाई सही में। लेकिन हाँ, आप ये बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस अपने दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से ये अपनी फ्रेग्रेंस बनाई है, ये मेरी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन चुकी है, प्लीज इसको हम क्लोज सर्कल में ही रखेंगे। एंड अगर आपको प्रीमियम कैटेगरी में चाहिए एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो कि जीवन भर हर जगह किसी भी सिचुएशन में, खुशी में, दुख में, कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपको ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए, तो वो है स्किन बाय टाइटन की रॉ। मतलब ये है असली दुनिया की बेस्ट परफ्यूम, क्योंकि हर जगह लगा सकते हो। तो यही थी हमारी रिसर्च के बाद बजट कैटेगरी के विनर्स। एंड अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रीमियम कैटेगरी के विनर्स ये जाके आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है हमने कोई फ्रेग्रेंस मिस कर दी है जो हमें ट्राई करनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली उसका भी नाम नीचे कमेंट्स में बताओ, हमें रेकमेंड करो। आपको किस टाइप की फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो भी हमें बताओ, ताकि हम उस टाइप की फ्रेग्रेंसेस के ऊपर भी कुछ शॉर्ट्स वगैरह बना दें या फिर अगले वीडियो में इंक्लूड कर लें। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। मैं जा रहा हूं ये वाली फ्रेग्रेंस लगा के, समझ जाओ क्या करने।